ये सन्नाटा है श्रीनगर गढ़वाल का। आए दिन श्रीनगर गढ़वाल में बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा है। जहां राज्य सरकार लोगों से पहाड़ न छोड़ने की अपील कर रही है, लेकिन जिन पहाड़ों पर हमारे बच्चे ही सुरक्षित न हों, वहां भला कौन रहना चाहेगा। पर्वतीय इलाकों में मासूम बच्चे गुलदार का शिकार बन रहे हैं। इस बार मामला है श्रीनगर गढ़वाल का, जहां ढिकाल गांव में गुलदार ने 3 साल की मासूम बच्ची को अपना निवाला बना लिया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश पैदा हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस घटना में बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी और वहां से गुलदार ने उसे निवाला बना लिया है। जहां सड़कों पर हजारों लोग, बड़ा सा ट्रैफिक दिखाई पड़ता था, वहां आजकल बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। देख सकते हैं कि श्रीनगर गढ़वाल में आजकल बिल्कुल दहशत का माहौल बना हुआ है, जहां गुलदार ने कई बार कई बच्चों पे हमला कर लिया है और कई बार वन कर्मियों पे भी यह अटैक कर चुका है। उसका लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे पूरी श्रीनगर गढ़वाल की जनता दहशत में बनी हुई है। देख सकते हैं कि पूरी सड़कें आजकल बिल्कुल खाली सी दिखाई दे रही हैं। गलियां, बाजार की सारी गलियां बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई हैं, क्योंकि बाघ का इतना बड़ा आतंक हो गया है कि लोग बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं। देख सकते हैं कि सारा श्रीनगर मार्केट शाम होते ही सुनसान होता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि श्रीनगर में बाघ का आतंक इतना ज़्यादा हो गया है कि बाघ बेखौफ होकर दिन दहाड़े सड़कों पर घूम रहे हैं और आने जाने वाले वाहनों पर भी वो अटैक करना नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार बाघों की घटना श्रीनगर गढ़वाल में बढ़ती जा रही है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी पूरा जो श्रीनगर मार्केट जाने की जो गलियां हैं वो सुनसान पड़ी हुई हैं, क्योंकि बाघ का आतंक काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिससे लोग डरे और सहमे हुए हैं। रोड, अभी रोड पर आया था, ये झाड़ियों के पीछे गाड़ी के नीचे। देखो देखो देखो, ये रुक जा, रुक जा, बाहर मत आना। Вот, чем он.
पीछे नहीं आते, अंदर जाओ अंदर।